الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما معزز السامعين الكرام आयत मुबारक का शान नुज़ूल हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दद सनदों से बयान किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु तआला फरमाती हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा है, अपने माल से भी ज़्यादा है, अपनी औलाद से भी ज़्यादा है, और कभी कभार मैं अपने घर के अंदर होता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता है तो दिल बेचैन हो जाता है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लेता हूँ तो दिल के अंदर सुकून पैदा होता है। लिहाजा अब मुझे ये फ़िक्र है, आप चूँकि दुनिया से वफात पा जाएंगे और मैं भी इस दुनिया के अंदर नहीं रहूँगा, और आप इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया हैं, तो आप जन्नत के अंदर अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ दर्जाते आलिया के अंदर होंगे, और मुझे तो अव्वल ये भी पता ही नहीं है मैं जन्नत के अंदर जाऊंगा या नहीं, अगर गया भी तो मैं आपसे बहुत नीचे होऊंगा, लिहाजा मैं आपकी वहाँ मुलाकात नहीं कर सकूंगा तो मुझे किस कदर सब्र आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि आयात नाजिल हुई, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत व ताबेदारी करेगा तो उसको कल जन्नत के अंदर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीकीन और शुहदा के साथ मजालिसत और मुलाकात का मौका मिलता रहेगा। इस वाक़े से ये पता चलता है कि सहाबा किराम को किस कदर इश्क था, किस कदर मोहब्बत थी, हमारी तरह जबानी खर्च करने वाले नहीं थे, हम सिर्फ दावे करते हैं लेकिन अमल कुछ भी नहीं है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत एक बहुत बड़ी चीज़ है। तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर अकीदा है, जिस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में ही दुनिया से चल बसा, तो तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर अकीदा है वो सहाबी रसूल हैं। बाद के बड़े बड़े कुतुब अब्दाल भी उसकी गिर्द को नहीं पहुँच सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। एक मरतबा का वाकया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए तशरीफ़ ले गए, वहाँ एक देहाती अपनी बकरियाँ चरा रहा था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप किस चीज़ की दावत देते हो, आपने फरमाया ईमान की, उसने फरमाया ईमान है क्या चीज़, आपने ईमान की हकीकत उसको बता दी, उसने फरमाया अगर मैं ईमान कबूल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने फरमाया अगर आप ईमान कबूल करोगे तो अभी जिहाद हो रहा है तो आपको जिहाद के अंदर शिरकत करनी पड़ेगी, उसने कहा अगर मैं जिहाद के अंदर शिरकत करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया अगर आप जिहाद के अंदर शिरकत करोगे आप किसी काफिर के हाथ से मारेंगे तो आपको शहादत का दर्जा नसीब होगा, अगर आप वापस लौटे तो गाजी बनकर वापस लौटोगे। तो शख्स ने उसी वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद की और तलवार लेकर कुफार के मजमे में घुस गए और चंद ही मिनट के बाद शहादत का दर्जा अपने नाम कर लिया। ईमान लाने के बाद उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, कोई ज़कात नहीं दी, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जन्नती होने की बशारत सुना दी। गर्ज यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत एक बहुत ही बड़ी चीज है। बाद के बड़े बड़े कुतुब अब्दाल और मुफस्सिर मुफक्किर मुहद्दिस बड़े बड़े वलीउल्लाह सहाबी की गिर्द को नहीं पहुंच सकते। एक मरतबा का वाक़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की मजलिस लगी हुई थी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बिब इलैय मिन दुनियाकुम सलाथ, दुनिया के अंदर मुझे तीन चीज़ें महबूब हैं, पहली चीज़ वो खुशबू है, और दूसरी चीज़ नेक बीवी, और तीसरी चीज़ नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया मुझे भी तीन चीज़ें महबूब हैं, अन्नज़रु इला वजही का इनमें से एक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार करूँ, हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखूं, मुझे ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये जवाब सुनकर रोए और अर्ज़ किया ए अबू बकर,
मैं आपसे कभी आगे नहीं जा सकता। तो इससे पता चलता है अबू बकर को किस कदर अल्लाह के हबीब सल्लम के साथ इश्क था। अबू बकर के दिल के अंदर हुजूर सल्लम की कैसी मोहब्बत थी, हमारे अल्फाज इनको बयान करने से